हेलो फ्रेंड्स, होनिकास किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पोटैटो स्टफ्ड मिर्च के पकोड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं मिर्च के पकोड़े। मिर्च पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले उसके अंदर जो भरने वाली फिलिंग है वो हम बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 बॉयल आलू लिए हैं, 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है। सॉल्ट आपको स्वादानुसार लेना है, आप कम ज्यादा इसमें कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर एंड 1/2 टीस्पून मैंने अमचूर पाउडर लिया है। तो सबसे पहले हम इसकी फिलिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। फिलिंग के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। अब हम अपनी फ्लेम को स्टार्ट कर देंगे। ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे एंड 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे। अब इसके बाद हमने जो मसाले निकाले थे, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, इसे डाल देंगे एंड 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, इसे भी हम सब मिला देंगे। और जो 1 टीस्पून हमने सॉल्ट लिया था इसे भी डाल देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले हैं थोड़े अच्छे से कुक हो जाएंगे, उसके बाद हम अब इसमें पोटैटो मिला देंगे। पोटैटो को मैंने मैशर से मैश कर लिया है, इसे हम इसमें डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पोटैटो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, अब इसमें हम 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे और धनिए से इसको गार्निश कर देंगे एंड इसे मिक्स कर लेंगे फिर। तो हमारी फिलिंग बनके रेडी है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। मिर्च पकौड़ों को डिप करने के लिए अब हम बेसन का घोल बनाएंगे। यहाँ पर 2 कप बेसन लिया है और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर। 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, सॉल्ट आप कम ज्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा लिया है, 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने अजवाइन लिया है, इसे भी इसमें डाल देंगे। अब इसको विस्कर की सहायता से मिक्स कर लेंगे। घोल के लिए अब हम इसमें धीरे धीरे करके पानी डालेंगे। पहले थोड़ा पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अगर आपके पास विस्कर नहीं है तो आप हाथ से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। इसमें अब फिर थोड़ा पानी डालेंगे। हमें इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। विस्कर की सहायता से इसका स्मूथ पेस्ट हमें बनाना है। अगर विस्कर नहीं है आपके पास तो आप हाथ से भी इसे घोल सकते हैं। जब आप इसका घोल बनाएंगे तो बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए आपके। मिर्च को डिप करने वाला घोल बनके अब रेडी है। अब हम मिर्च में अपनी स्टफिंग भरेंगे। मिर्च में स्टफिंग करने के लिए सबसे पहले हम एक मिर्च लेंगे, इसको साइड से चीरा लगा देंगे। अगर आपको इसमें से बीज निकालना है तो आप बीज निकाल सकते हैं।
इसमें फिर अपनी स्टफिंग भरेंगे। इसी तरीके से सारे मिर्च में हम चीरा लगा लेंगे। हमने सारी मिर्चियों में चीरे लगा दिए हैं और इस मिर्चियों से मैंने बीज निकाल दिया है। आप चाहे तो बीज निकाल भी सकते हैं और नहीं भी निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें हम आलू की स्टफिंग भरेंगे। ये मैंने आलू की स्टफिंग भर दी है। इसी तरीके से सारे मिर्च में हमें आलू की स्टफिंग भर देनी है। हमारी मिर्च जो है आलू की फिलिंग से स्टफ्ड हो चुके हैं। अब इसे हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए एक पतीला ले लिया है मैंने, उसमें ऑयल डाल दिया है। अब फ्लेम को ऑन कर देंगे, ऑयल को गरम होने देंगे। तेल गरम हो चुका है फ्राई के लिए। फ्लेम को मीडियम में कर देंगे। मिर्च को बेसन के घोल में डिप करके हम इसको तेल में डालेंगे। सारे मिर्च को इसी तरीके से बेसन के घोल में डिप करके डालना है। ऑयल को थोड़ा इसके ऊपर भी डालना है ताकि ये जल्दी से फ्राई हो जाए, ऊपर का पोर्शन भी। अब इसे हम धीरे से पलट देंगे। मिर्च के पकोड़े फ्राई होके रेडी है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से हम सारे मिर्च के पकोड़ों को अपने बना लेंगे। ये हमारे मिर्च के पकोड़े बनके रेडी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल मोनिकास किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।